सो वेलकम गाइस, वेलकम अगेन। यू आर इन स्टैंडर्ड 6 और आपका इंग्लिश इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश हम चालू किया था। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। आई थिंक वी हैव टेकन यस्टरडे हु इज द ग्रेटेस्ट, ये हमने लिया था अकबर बीरबल का। हु इज द ग्रेटेस्ट, राइट? डोंट गिव अप हमने लिया था, ये पोएम झाली आपली। देन वी हैव सीन हु इज द ग्रेटेस्ट, वी हैव सीन हु इज द greatest, then we have seen who is the greatest. Who is the greatest आपला काल झालेला आहे। ओके, आय आस्क यू टू राइट द क्वेश्चन आंसर। चलो उसको थोड़ा सा एक रिवाइज करूया का, या फिर यू कैन डू इट। चलो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चालेल ना सगळ्यांना? चलो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सी विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। Well, friend, it's me. Me means what? The great Indian bustard. Yes, सबसे heaviest है, सबसे heaviest है, and still it is flying. उसका वजन ज्यादा है, and still it is flying. वो उड़ता भी है. I feel proud to be known as the great Indian bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. उसके 30 अलग अलग नाम है, उसके 30 अलग अलग नाम है पूरे भारत में. In Marathi, Marathi में उसको क्या कहते हैं? In Marathi, it is known as Marduk. रीचिंग अप टू योर शोल्डर, तुम्हारे शोल्डर तक वो आता है, 4 फुट का है और इवन हायर। आई हैव गॉट अ लॉन्ग नेक, लॉन्ग व्हाइट नेक, उसका जो नेक होता है, नेक कैसे आए, व्हाइट आए। ब्राउन विंग्स, विंग्स कैसे ब्राउन है। टॉल येलो लेग्स, लेग्स कैसे आए, येलो है। बैक ब्लैक कैप ऑन माई हेड, बघा ब्लैक कलर ची कैप है। कैन यू सी ऑन द डायग्राम फिगर। माई वाइफ, त्याची वाइफ पण आहे, त्याचं नाव आहे मिसेस बस्टर्ड। Is smaller than, slimmer than I am. ती त्याच्यापेक्षा स्मॉलर आहे उंचीने, ओके, वो स्मॉल आहे अँड शी इज स्लिमर, बारीक आहे। हर नेक इज नॉट व्हाईट, तिची नेक व्हाईट असते का? नाही, उसका जो नेक आहे इट इज नॉट व्हाईट। बट आय हॅव हर्ड ह्युमन से दॅट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव्ह, ओके, सो वी दे बोथ लुक इम्प्रेसिव्ह। ठीक आहे, कोण आहे? मार्डोक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मार्डोक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Now, और क्या देखो उसके आगे, उसके बारे में और क्या बताया हमें। आई लिव इन ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स, ठीक है, जहाँ पे घास होती है, ग्रास होती है। दे लिव इन ऑन द ग्रासलैंड एज वेल एज ऑन डेजर्ट्स अलॉन्ग विथ माई मदर, सॉरी अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबर्ग एंड लार्क्स, ये अदर फ्रेंड्स है उसके। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट। ये क्या क्या खाता है देखो, फिर से बता दो, क्या क्या खाता है? ये सांप खाता है, स्नेक्स खाता है, लिजर्ड, ओके, लिजर्ड माहिती ना, म्हणजे आपला सरडा किंवा पाल। देन स्मॉल फ्रूट, छोटे फळ खातो, बेरीज खातात ते, आणि सगळे किडे, जेवढे किडे आहेत ना ते सगळे किडे खातात। दॅट्स व्हेरी हेल्दी हॅबिट, बट ग्रास हॉपर्स अँड बीटल्स आर माय फेवरेट फूड आयटम। एवढं खाताना सुद्धा त्यांना व्हॉट दे रिक्वायर्ड, व्हॉट दे वॉन्ट, what is their favorite, grasshopper and beetles, grasshopper tumhala maithe nagtoda, theek hai, swaraj vandre, okay, neha naiye, very good, neha ne, sorry, so yetil poro. When it starts raining, baga jo paus padto na, when it starts raining we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us, theek hai, jab barish hoti hai na, we go to the grassland, we don't have people to disturb, वहां पे लोग नहीं होते। एंड आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस, एक अच्छा डांस करता है ये, कौन? दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माय नेक. दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय काउ. दैट इज गायचा आवाज होता ना, गाय का आवाज ऐसे आता है. सिमिलर साउंड इज प्रोड्यूस बाय दिस बस्टर. आई डांस इन जॉय विद पफ्ड आउट फेदर्स एंड कॉक्ड अप टेल and drop down wings. It helps me to impress my soulmate, right? So जो भी बाकी होते तो वो क्या होता है, वो impress हो जाते हैं लोग, जो भी उसके soulmate है, they get impressed. You know that we birds lay eggs and our young ones hatch our eggs. ये अंडे देते हैं और अंडे से क्या होता है, छोटे से पीले पिल्लू जो होते हैं, that is young ones, बाहर आते हैं. Mother GIB, GIB मतलब Great Indian Bustard, lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nest. तो वो nest वगैरह नहीं बनाते, बड़े-बड़े होते हैं ना वो, तो they don't make nest. और एक ही अंडा देती है वो जो है मदर. But we have a special trick. Yes, राज आ गया. Very good. ओके गाइस, दो मिनट वेट. चलो सो वी हैव अ स्पेशल ट्रिक. ये क्या करते हैं देखो, टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स. द एग्स लुक लाइक अ स्टोन. इनके जो एग होते हैं ना, दे लुक लाइक स्टोन, पत्ता जैसे दिखते हैं. सो देयरफॉर मॉनिटर लिजर्ड फॉक्सेस डॉग्स पिग्स स्नेक्स ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक, बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम. By the time young ones hatches out of the egg, rain arrives, there is plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. So kya hota hai, iske ande kaise hote hai, ek to stone jaise dikhte hai, they look like a stone, theek hai. तो इस जो मॉनिटर लिजर्ड है, फॉक्सेस है, डॉग्स है, पिग है, स्नेक्स है, ईगल्स है, दे आर द एनिमीज. वो एनिमी है, वो अंडे को खा सकते हैं, इसलिए वो मदर उसको प्रोटेक्ट करती है. और जैसे वो अंडा, अंडे से छोटा उसका वो जो द चिल्ड्रन सॉरी द चाइल्ड, छोटा जो यंग वन होता है वो बाहर आता है, इट हैज मेनी थिंग्स टू ईट, ठीक है, क्योंकि बारिश होती है तो इसके लिए खाना बहुत अवेलेबल हो जाता है. यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट human friend of ours. कौन था उनका friend, सबसे बड़ा friend था Dr. Salim Ali. कौन थे उनके friend थे, he was a Dr. Salim Ali. He had even suggested that we should be given a status of a national bird of our country, but the honor went to beautiful relative peacock. उन्होंने कहा था कि इनको national bird कर दो, लेकिन national bird हमारा कौन सा है, peacock है, ठीक है, national bird is peacock. I am happy to tell you that I am a state bird of Rajasthan. Yes, Rajasthan का क्या है, state bird है. We have got 10 sanctuaries for our protection. इनके लिए 10 sanctuaries बनाया हुआ है. But sadly, our number is still going down. क्योंकि लोग इनको क्या करते हैं, उनकी hunting करते हैं, शिकार करते हैं. We used to live in all parts of India. But slowly, the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. We are afraid of hunters that kill us for fun. We also died due to electric power lines that we can't see while flying. We are losing our homes. Today only the last 200 of us are left in the world. We are your support. We need your support and love in order to survive. Can you help us? Right? तो इनका कहना क्या है कि लोग शिकार करते हैं तो इनका जो भी habitat है वो कम कम होते जा रहा है. And they need our help. उनकी help करनी चाहिए हमको to protect them. Sanctuaries are सब, लेकिन still people are hunting them only for fun. People are hunting them only for fun. So what can you do? You can write letters to your leaders and make an appeal to help us. You can make my drawing and submit to your teacher. You can discuss with your parents. Come to see us at sanctuary, because now you will not see us in other places. We
एंड हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ यू विल ओनली सी अस इन द पिक्चर ओके तो इनको बचाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए एंड इफ यू डोंट अगर हम नहीं कहेंगे तो ये सब मर जाएंगे बेचारे एंड हम सिर्फ उसको पिक्चर में देखेंगे तो हमको इनकी मदद करनी चाहिए देर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू नो देर आर सम क्वेश्चन there are some questions try to solve the questions just a minute there are some questions so ye aapke geography of blood iska part hai aapka grammar part hai